हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिमालया एंटी हेयर फॉल क्रीम के बारे में। तो ये कुछ ऐसे दिखती है एंड आप ये अपने हेयर्स पे यूज़ कर सकते हो। इसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, आपको इसमें 100 ml तक का प्रोडक्ट मिलता है एंड इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। एंड इस पे लिखा हुआ है कि ये कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ये हेयर फॉल को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करते हैं। एंड इसकी जो प्राइस है वो है 75 rupees फॉर 100 ml प्रोडक्ट। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड ये आप बिफ़ोर एंड आफ्टर, अगर आप हेयर वॉश के पहले भी इसे यूज़ कर सकते हैं एंड बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हो। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है एंड ये बहुत ज़्यादा बटरी सॉफ्ट है। ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। यू कैन सी, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो काफ़ी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो आप अपने हेयर्स पे यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको हेयर वॉश करना है एंड उसके ऊपर आपके अगर बाल रफ़ है तो आप वहाँ पर ये यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर हेयर वॉश करने के लिए जाने वाले हो, जाने वाले होगे, तो उसके पहले आपको ये अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करना है। इस क्रीम से ये बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड अगर आपकी ड्राई या फ्रिजी हेयर है तो ये काफ़ी अच्छा है उस हेयर्स के लिए। एंड ऑयली हेयर, अगर जिनकी ऑयली हेयर है वो ये यूज़ ना करें। तो यहाँ पर मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए है काफ़ी अच्छे से। आप कोई भी शैम्पू या फिर आपका जो भी रेगुलर शैम्पू आप वो यूज़ कर सकते हो। एंड आप कंडीशनर, अगर आप चाहे तो आप कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हो। आफ्टर हेयर वॉश आपको अपने हेयर काफ़ी अच्छे से सुखा लेने हैं। अगर मेरे यहाँ पर बाल अच्छे से सूख गए हैं, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस क्रीम को इसे अप्लाई करूँगी। तो आपको मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ मेरे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी एंड ड्राई है। यू कैन सी बिफोर क्रीम लगाने के पहले काफ़ी अनमैनेजेबल मेरे बाल हैं, मुझे इसे कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी क्रीम ले ली, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा क्रीम नहीं लेनी है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा क्रीम लोगे तो आपके हेयर्स काफ़ी ऑयली लगने लगेंगे। तो आपको ये अच्छे से मसाज करना है आपके हेयर्स के ऊपर। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। एंड अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।